हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड रेडी। मैं मनीष। मैं काजल। दोस्तों आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। एंड वी होप आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों हमारे बचपन में और मतलब राखी वाखी कोई भी जब फेस्टिवल आता है, सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज क्या होती है हमारी लाइफ की जर्नी में, छोटे से लेके बड़े तक हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं वो साथ में होते हैं और काफी मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम बड़े होके भी याद करते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ। हमारी सारी शैतानियां भरी जितनी भी मेमोरीज है ना, वो हमारे कजन्स के ही साथ होती है। यार जो भाई बहन होते हैं ना, भाई बहन उनका प्यार और साथ में जो मारपीट जो होती है ना, वो अमेजिंग ही होता है। सबसे ज्यादा हम उन्हीं को मारते हैं, वो हमें मारता है, उसका उन्हीं के साथ रहता है, घर वाले फिर और होते हैं। लेकिन बाहर का कोई लड़ने आया तो प्रोटेक्शन भी सबसे ज्यादा वही करते हैं। ये बात तो है। और साथ में अंदर खुद का कुछ भी हो शेयर हम नहीं करते, जान बुझ के भी नहीं करते, बड़ी पहले दिल का देते हैं भाई बहन, चल तू रख ले तू रख ले। जब अपना मतलब होता तो भाई बहन सबसे पहले याद आते हैं। ब्लैकमेल करने में तो मजा आता है। तो ये सब खट्टे मीठे पल हैं जो सिब्लिंग्स के साथ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, तो हमने सोचा की हर्ष बेनीवाल की लाइव विद सिब्लिंग पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। आई होप आप सभी का रक्षाबंधन अच्छा जाए, आप खूब सारा एंजॉय करो। फटाफट से बिना किसी बात के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये उतारा हर्ष ने मोहित का बक्कल, हर्ष के 50 मोहित के 60। ये भरा बुड़का हर्ष ने मोहित की कमर में। इसीलिए भेजता हूं मैं तुम्हें स्कूल। Why this fight? Always everywhere. पापा पहले इतने शुरू किया था। Shut up. Sorry पापा। Sorry नहीं, sorry होता है। Sorry होता है। Sorry सर। Sorry पापा। उसे रो दिया था। And where is your father? सर मेरे पापा भी यही हैं। क्या? तुम दोनों भाई हो? सर तीनों। क्या? हाँ सर, हम तीनों भाई बहन हैं। तुम तीनों भाई बहन होकर इस तरह जानवरों की तरह लड़ाई करते हो? अरे सर वही तो मैं इनको समझा रही थी कि मत लड़ो मत लड़ो, और मैंने हर्षु को बोला भी था कि चल यहाँ से। और इसकी शर्ट फट गई। तुमने मेरी शर्ट फाड़ी? चार्जर दे दे प्लीज। क्या है यार, मैं दे रहा हूँ। भाई दे देना, फोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। तेरे को कितनी बार बोला मैंने सैमसंग गैलेक्सी M30s ले ले, 6000 mAh बैटरी है इसकी, कितना भी यूज कर लो खत्म ही नहीं होती। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी कैसे लूंगी, अभी तो दे दे। मैं दे रहा यार। देख ले बेटा, 100 रुपए दूंगी। नहीं 200। चार्जर ले ले। 300। 1000 दूंगी पूरे। बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा। और बताओ कौन सा करूँ, कैटरीना वाला है, ऋतिक वाला, मुन्नी बदनाम वाला? नहीं नहीं थैंक यू। मेरे 1000 रुपए। भाग जाए यहाँ से, 1000 रुपए चाहिए मालिक को।
कछुए अबे इसे थोड़ा तेज डाल ले यार थोड़ा तेज डाल अब दिखाता हूँ अपनी बॉलिंग अबे कहाँ जा रहा है अबे भाई आज डाल लिए बोल ओए ओए भाई बॉल डाल दिया अरे जाता ही जा रहा है अबे इतनी तेज कैसे बॉल डालने को छाती फोड़ दी सॉरी मैं तू बेटा तू क्या अब मार 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 पापा पिताजी ओ भाई साहब हेलो राजू गुप्ता हेलो निकम्मो अरे क्यों लड़ते रहते हो अरे आपस में लड़ना है तो ठीक है लेकिन अपने बाप को तो छोड़ दो पापा पहले इसने शुरू किया था बॉल मार के मेरी कमर फोड़ दी पुंजी और रखी थी पहले से उस पे पापा इतना बदतमीज है ना पहली बॉल में छाती का आर पार कर दी चुप बिल्कुल चुप दिमाग खराब करके रखा है तुम दोनों लड़कों ने और एक इस लड़की ने खैर छोड़ो चलो आपस में गले लगो मैं नहीं मिल रहा पापा इससे गले मैं भी नहीं मिलूंगा आपस में गले लगो और अभी लगो नहीं तो पॉकेट मनी बंद अरे ढंग से लगाओ क्या है यार बाबा बताओ तुम्हें मेरा भाई तू और बता कैसी है यार मैं एकदम बढ़िया हूँ ये देख न्यू फोन लिया मैंने सैमसंग गैलेक्सी M30s कैसा लग रहा है बहुत सुंदर मेरे भाई ने बताया 6000 mAh की बैटरी है इसमें और इसमें ना डिस्प्ले भी SAMOLED है मतलब मूवी देखने में मजा ही आता है फिर तो इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी आती होंगी अरे 48 megapixel कैमरा है इसका ये देख इसकी स्क्रीन में मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ अरे यही तो कमाल है इसका अरे क्या है यार मेरी ब्रश नहीं मिल रही निकलना है मेरे को ब्रश का वर्साचे का परफ्यूम नहीं मिल रहा निकलना है मेरे को देखियो बहन मेरा वर्साचे का परफ्यूम नहीं मिल रहा है वर्साचे का परफ्यूम वर्साचे VER वर्साचे 3 दिन से गुच्ची का लगा रहा हूँ देखो तेरे नीचे तो नहीं है यहाँ नहीं हर्ष आप देखना आपके नीचे तो नहीं है मेरा वर्साचे का परफ्यूम नहीं नहीं तो मैं उठा के देख लूं नहीं है यहाँ नहीं है नहीं है अच्छा यार बहुत कॉस्टली था पता नहीं कहाँ खो गया ये ऐसी है थोड़ी चिड़चिड़ी आप फ्रेंड हो उसकी जी मैं ब्रदर हूँ उल्टू ब्लाइंड मारने की कोशिश कर रहा है ये तो क्यूट आप ऐसे हैं थैंक यू टच कर लूँ हाँ फैब्रिक फैब्रिक टच कर लूँ पापा जी की दुकान है ना फैब्रिक की तो फिर वो टच करके पता लगाते कैसा फैब्रिक है अच्छा है भाई उठ 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 क्या हुआ वो अंजलि आई हुई है अंजलि आई है हाँ और हर्षु उसके सामने ना फालतू मित्रा के दिखाई जा रहा है अरे पागल है यार वो हाँ छोटी बहन जैसी है उसकी 19 साल की यार वो 19 साल की चल 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 यार वैसे आपके हाथ की रेखा देख के लगता है कि आपकी लाइफ में ना कोई एच नाम का लड़का आने वाला है और शायद आपकी ना फ्रेंड का भाई है बाय द वे माय सेल्फ हर्ष लेकिन पंडित जी ने तो कहा था कि एम नाम से आएगा अच्छा हाँ मुझे लोग प्यार से ना मर्श भी बुलाते हैं मर्श बेनीवाल वैसे भी नाम में क्या रखा है ओए चल निकल एग्जाम चल रहे हैं ना निकल पढ़ा भाई है जल्दी निकल निकल अभी निकल निकल हेलो हाय
एक्चुअली मेरा वर्साची का परफ्यूम मिल नहीं रहा है यहाँ पे, तीन दिन से गुची का यूज कर रहा हूँ। आपने देखा कहीं है आसपास? एक्चुअली मेरा नाम एम से स्टार्ट होता है, पंडित जी ने बताया था ना। हाँ। आपकी दोस्त का भाई? हाँ। नहीं भाई। क्या करें जी, जल्दी। और तुम तीनों, हम लोग जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना, लाइटें ऑफ कर देना, और खाना बनाकर रख दिया है, गरम करके खा लेना, ठीक है? और पढ़ाई जरूर कर लेना। हाँ। समझे? शैतानी नहीं चाहिए बिल्कुल। ओ मोटी, खाना गरम कर दे मेरा। तू भी खाएगा? मैं नहीं खा रहा, विंडी विंडी। पिज़्ज़ा बनाए? मैं बना दूंगी, तुम दोनों हेल्प कर देना बस। भाई बहन किचन में लगेंगे। कॉलिंस है? आता ही नहीं होगा। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। हर्ष पिज़्ज़ा बनाना तैयार कर, और भाई तुम एक काम कर, कैप्सिकम काट ले तब तक। बोलते हैं पिज़्ज़ा के लिए कैप्सिकम यार। अबे शेक्सपियर की औलाद, प्याज होता है कैप्सिकम। हाँ प्याज होता, मैंने पढ़ा था, सॉरी। गवार ही रहोगे, हजार बार बता दिया। बहुत गलत बता के। बच्चों का कोई फोन नहीं आया, मुझे लगता नहीं आज कोई झगड़ा हुआ। भाई इतना केक तो पानी नहीं देते। मार देगा यार, क्या शूज है? सोचियो ही मत, मेरे हैं शूज। भाई प्लीज पहनने दे यार, तू बदले मेरे सैंडल ले लियो। भाई तेरा दिमाग खराब है, हैं? सलमान के बदले विवेक लूंगा मैं। एक दिन के लिए दिखा दे यार, तेरे को मेरी कसम है। बे और कितनी बेइज्जती कराएगा तू? तब कहा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। तो आप शूज नहीं दोगे? नहीं दूंगा। पक्का? 100%। सोच लो। सोच लिया। देख लो। देख लिया। तो इसका मतलब मुझे अपना पैतरा इस्तेमाल करना होगा। मैं थूक क्यों रहा है? मैं पागल है क्या? भाई क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? ये बहुत ज्यादा की निकालने की कोशिश करो।
इसको स्कूटर सिखाने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी। ओए तेरे दिमाग घास चढ़ने का, स्कूटर से लाएगी तू? पागल हो रहा है, कुछ भी बोल रही है। पापा चल स्कूटर सीख। हाँ तो जैसे मैं बता रहा था आपको, ये होती है हेडलाइट, ये होता है मीटर, ये होती है ब्रेक, और ये होता है क्लच। क्लच को धीरे धीरे छोड़ो, ऐसे इसे ऐसे पकड़ना, उसे हल्का 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 छोड़ना, ठीक है ऐसे। ओए धीरे धीरे छोड़े यार, धीरे धीरे। आइयो मैं दो तीन घंटे चलो। हाँ तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये होती है हेडलाइट, ये होता है मीटर, ये होता है ब्रेक, ये होता है क्लच। अपने बाप को मत गया, चल किक मार। ओके अरे वाह, आज स्कूटर तो बहुत चमक रहा है। चमक रहा है। भैया वो मैं रामलीला की पर्ची कटवाने आया था, और भैया आपके तो रोल भी है रावण का, मैं डन समझूं? थोड़ी देर और रुकता तो बहुत मारते। मतलब बहुत मारा, अभी तू चलना प्लीज जल्दी। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं, अभी तो मैं भी चाटा मारूंगी इसको। और टिल्लू तू बाहर निकल। चल ले बहन, डर गया वो, चलना अभी तू। आगे कुत्ते अपने पिल्लों के साथ में। बेटे आज मेरे साथ मेरा भाई है, हाथ लगा के दिखा, हड्डियां तोड़ेगा। चार्जर लिया मेरा? हाँ भाई लिया तो है, लेकिन मेरा चार्जर दे। ले भाई तू चार्जर ले, लेकिन पहले इसके बाद ना इसको छूने की जरूरत नहीं। भाई अरे चुप कर यार, ये तुम दोनों का रोज का है, इसमें मुझे मत घुसाओ। पता नहीं क्या ड्रामा कर रखा है, काम धंधा है नहीं कुछ। भैया भाई लॉल आवे करण के अर्जुन मार। Yeah.
ओए तूने ये कैसे किया बताना भाई क्या बोला कान में अरे बताना क्या बोला खुद पता बस बोला कि तुम्हारे स्कूल में जो है ना कालू बदमाश तू उसकी गर्लफ्रेंड है सब डर गए और भाग गए क्या छी यार तू पागल है क्या भाई मैं उस कालू की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती हूं मतलब कुछ सोच समझ के तो बोला कर अबे एक तो तुम दोनों को बचा लिया मैंने देखियो हां वैसे भाई सही कह रहा है बचा तो लिया ही है चलो घर चलो ठीक है घर चलो थैंक यू मेरी हॉकी भी ले आइयो सुन इसे एक सेकंड के बाद मेरे बहन और भाई को कुछ हुआ ना तो याद रखियो जान से मार दूंगा भाई 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 सही में मार दूंगा तो ये थे तुम तीनों के माँ बाप के बचपन के किस्से मेरी तो नाक में दम कर रखा था इन लोगों ने तो क्या हुआ भी पापा की चॉकलेट चुराती है जैसे ये मेरी चॉकलेट चुराती है अरे रोहन आपकी बुआ की बेटी है ना वो रिस्पेक्ट करो उसकी बहन लगती है आपकी हाँ तो ये मेरी रियल भाई थोड़ी ना तब तो मैं इसे मार सकती हूँ ना स्नेहा नो ऐसे नहीं करते ना आप इतने बड़े हो गए हो सॉरी मम्मी सेंडी हो गया मॉल एग्जैक्टली ऐसे तो लड़ा करते थे हम तीनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हुआ करते थे और एक दूसरे प्यार भी उतना ही करते थे अब सब घर गृहस्थी में लग गए हैं तो कभी कभी मिस करता हूँ मैं उन चीज़ों को और भाई तेरे को याद है जब उस टिल्लू ने मुझे छेड़ा था तो ये कैसे उसको मारने गया था अरे कितना मारा था ना इसको और उसने कैसे इसकी गुद्दी पकड़ी थी और इसकी शर्ट तूने मेरी शर्ट फाड़ी तो मेक श्योर आप वीडियो अपने सिब्लिंग्स के साथ शेयर करें अपने बहन भाई को दिखाएं अपने पेरेंट्स को दिखाएं अपने दोस्तों को दिखाएं सबका शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कौन सी चीज आपने सिब्लिंग के साथ बहन भाई के साथ कर चुके हो ऐसी मतलब मेरी वीडियो में क्या पॉइंट्स है जो आपने करा हुआ है और जो यूनिक है वो आप अपनी स्टोरी जरूर मेरे से कमेंट सेक्शन में शेयर करें जो लोग टेंशन ले रहे हैं कि मैंने फूड वेस्ट किया है तो आपको मैं बता दूं कि जो फूड था वो कोई हमने वेस्ट नहीं किया ऑलरेडी एक्सपायर्ड फूड था तो हमने मेक श्योर किया कि हम एक्सपायर्ड फूड यूज करें जो ऑलरेडी वेस्ट है हमने उसी को वेस्ट किया तो हमने फूड की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करी तो दोस्तों ये थी वीडियो यार लाइफ विद सिबलिंग मतलब एक्टिंग कमाल की मतलब हर्ष की एक्टिंग और साथ में उसकी बहन ने भी एक्टिंग माइंड ब्लोइंग की अबे स्क्रिप्ट भी था सुधी यार लास्ट में जो उसका भाई वाला रोल था ना मैंने आता है पिक्चर मैंने यार सीधा इन तीनों में से तेरे साथ क्या हुआ है जो तू कोरिलेट कर सकता है अपने यार तो याद नहीं लेकिन फाइट्स तो बहुत होती थी छोटी छोटी बातों पे ये ना फाइट हो जाती थी और भाई बहुत भयंकर होती थी मुझे वो याद वाला हुआ किचन वाला कि मेरी बहन और मैं हम सारे मतलब किचन में लगते थे बनाना कुछ नहीं आता था बट मैस करके आते थे बहुत मिठाई खाते थे उसके बाद ये जो लड़ाई वाला सीन है ये मेरे कजन के साथ हुआ है मेरा छोटा कजन आया था और वो मेरी कॉलोनी में आया था और किसी से ना पंगा ले लिया था उसने ठीक है छोटे में यार ऐसी लड़ाई लड़ाई होती है ना फिर भाई उस टाइम है ना वो था मेरा दोस्त ही जिससे लड़ाई हुई थी लेकिन उस टाइम तो भाई भाई से मेरे साथ तो ये स्कूटी वाला था मतलब स्कूटी घर में नहीं आई थी और मैं सिक्स क्लास में था तो मुझे शौक चढ़ता था मैं धीरे से चाबी निकालता था कहीं कहां जा रहा बोला हूं मैं बहन देखो भी सिखाऊंगा लेकिन जाता था उसे छोड़ के फिर बच जाता था खुद ही दोस्तों ये मतलब एक्सपीरियंस है ना हमारी लाइफ में होते रहते हैं अपने सिब्लिंग्स के साथ और बॉल वाला भी तो होता है कई बार जो बॉल खेलते थे किसी और को लग जाती थी पार्क में खेलने जाते थे मना करते थे वो मार के फिर घर की तरफ भागते थे पता क्या रेस लगाते थे पता नहीं चलता था कौन किस कोने में गया करके मेरे खुद एक बार फुटबॉल लगी थी इतने बड़े बड़े बच्चों के साथ खेल रहा था मैं 8-10 साल का था और एक ने मारी कि डायरेक्ट मेरी छाती पे लगी और मैं तो दोस्तों आपके साथ भी है ना कुछ है ना ऐसे अमेजिंग एक्सपीरियंस हो गया अपने भाई बहन के साथ तो वो है ना कमेंट पे हमें जरूर बताएं और कोई भी ऐसा रिलेटेड जो है ना इस वीडियो में था वो भी हमें बताएं आपके साथ अगर हुआ है
एंड दोस्तों हमें वीडियो पर्सनली बहुत पसंद आया, हमने बैठ के इतना एंजॉय किया, मतलब सीरियसली अपने बचपन की यादें आ गई। और अपने भाई बहनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, उनको भी है ना अपने मूवमेंट्स याद आ जाएंगे और आपके साथ जितनी भी उनकी यादें थी वो ताजा करें इस वीडियो को शेयर करके। और इस रक्षाबंधन पे प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो अपने दो भाइयों बहनों में भले ही लाइक मत करना बट शेयर जरूर करना ताकि साथ ही बैठ के सारी बातें एंजॉय और साथ बैठ के देखें भी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हर्ष बेनीवाल के चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इनका हर्ष बेनीवाल 2.0 का चैनल है, उसमें भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, काफी अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं दोनों में। और साथ ही साथ ट्रेंड मराठी को भी सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर ऐसी कोई वीडियो जिसमें हम रिएक्शन दे सकते हैं प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।